सो गाइस समर सीजन फाइनली पूरा पूरी आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ठंडा है और अभी जो है बहुत ही गर्मी हो रहा है। तो गाइस इस टाइम पे आप लोग का जो फिश, आप लोग का बर्ड, आप लोग का डॉग या फिर कोई भी एनिमल्स हो जाए, उन लोग को थोड़ा केयर का दरकार है ताकि उन लोग का जो शरीर है ना थोड़ा ठंडा रहे, नहीं तो उन लोग को दिक्कत होगा। उन लोग का डिजीज हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, ऐसा बहुत सारा डिजीज हो सकता है, इवन उन लोग का डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। सो गाइस आज का वीडियो में मैं बताऊंगा फिश, बर्ड और डॉग केयर समर सीजन में कैसे किया जाए डिटेल्स में। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नए होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं बेसिकली फिश मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी दोस्त दिखाऊंगा। देखिए गाइस, सो गाइस बेसिकली देखिए ये जो वाटर लेवल है, आप मैं इतना ही रखता हूँ, ज्यादा नहीं रखता। आपको अगर हो सके तो ईच एंड एवरी डे 10% करके वाटर चेंज कीजिए अगर आपका आउटडोर में है। देखिए मेरा जो है इधर से धूप आता है तो थोड़ा गर्म हो जाता है, अगर आउटडोर में है तो ईच एंड एवरी डे चेंज कीजिए 10% करके। अगर आपका घर के अंदर है तो हो सके तो 3 दिन में एक बार 20% वाटर चेंज कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आप लोग के फिशेस के लिए। फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा और वाटर ठंडा भी रहेगा, नहीं तो गर्म हो जाएगा वाटर। और गाइस फिल्टर आपको ऑन रखना है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, फिल्टर ऑन तो रखना है, हीटर कभी नहीं चलाना है। और जो लाइट है, लाइट जितना कम हो सके उतना कम जलाइए, बहुत ही अच्छा होगा। और गाइस मेरा सेकंड टैंक का अपडेट भी दिखा देता हूँ। इसमें मेरा जो कार्प्स है और मेरा जो प्लेटिस था इसमें ट्रांसफर किया कुछ दिन के लिए, कुछ अब मतलब उस टैंक में थोड़ा काम चल रहा है, मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तो इसलिए गाइस इधर कुछ दिन के लिए किया। देखिए ये जो वाटर है आज ही चेंज कर, देख सकते हैं पूरा क्लियर है एकदम, ये दोनों वाटर है पूरा क्रिस्टल क्लियर है, आज ही चेंज कर, तो इसे मैं ढक के रखता हूँ। और गाइस इसमें भी आज ही मैं वाटर पोर किया, देखिए इसलिए बहुत ही क्लीन है और मेरा टॉप फिल्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो गाइस ये जो समर सीजन है इसमें आपको वाटर कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना है, नहीं तो गाइस आपका फिश को दिक्कत हो सकती है क्योंकि गर्मी में वाटर बहुत ही हीटअप हो जाता है। क्योंकि गाइस आपको पता है ये जो है ग्लास है और ग्लास बहुत ही जल्द मतलब हीट को कैचअप कर लेता है, इसलिए गाइस हीट हो जाएगा, ग्लास बहुत जल्द हीट हो जाता है, इसलिए वाटर भी हीट हो जाएगा। इसलिए हो सके तो रेगुलरली ऐसा न्यू वाटर पोर कीजिए या फिर चेंज कीजिए। और गाइस प्रीवियसली वीडियो में मेरा कुछ सब्सक्राइबर दोस्त बोल रहा था आपका ईल का आ गया, देखिए मेरा ईल उधर रहता था, पर आप लोग में से बहुत कोई है ऐसा जो बोले ईल को हटा दो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसे बेसिकली हटा दिया। इसलिए गाइस मैं इस टैंक में से मॉन्स्टर ये देखिए आरटीसी है, दो ऑस्कर है और प्लेगो है, कुछ नहीं है इस टैंक में, अकेला मैं इन लोग को ग्रो करा। और फीडिंग आपको अभी जो है एक दिन बाद बाद देना होगा। और हाँ इस टाइम पे चिकन या फिर चिकन हार्ट या फिर चिकन लिवर और कुछ या फिर चिकन भी हो सके तो वीक में एक बार दीजिए, ज्यादा नहीं क्योंकि गाइस उसमें जो है बॉडी हीट बहुत जनरेट होता है। सो गाइस हो सके तो एक बार ही दीजिए वीक में और स्ट्रीम ट्राई कीजिए देने का। तो ये था मेरा बेसिकली फिश अपडेट और फिश केयर। अब चलिए बर्ड की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद डॉग्स में बताऊंगा। सो गाइस हियर इज बेसिकली द बर्ड्स एंड गाइस बर्ड अपडेट अगर बोलूँ तो थोड़ा नीचे भी दिखा देता, इसे हटा देता, इसे रखता हूँ ताकि जो है गंदा इधर ना आ जाए, बहुत ही गंदगी करते हैं जो बर्डजिस है। देखिए बर्डजिस मेरा वेल है और ये जो है एडल्ट हो चुका है, मैं इन लोग का ब्रीडिंग सिम्टम देख रहा इसलिए इधर भी एक हंडी लगा दिया, उसमें तो बेबीज है। मैं एक बार बेबीज का भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ दिखा देने के लिए फ्लैश ऑन करके। देखिए ये जो है मम्मी घुस गए अंदर, अब थोड़ा चिल्लाएगी, देखिए They are doing well। और गाइस एक का देखिए स्काई ब्लू कलर आ रहा है, एक का आ रहा है डार्क ब्लू कलर, आप लोग अच्छे से देखेंगे, मतलब दूर में जो बैठा हुआ है, सामने का अभी अभी आ रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इन लोग को क्लीन करना होगा, इन लोग का पूप लग गया। देखिए एक स्काई ब्लू आ रहा है, एक डीप ब्लू आ रहा है, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसका मम्मी देख रही है। चलिए फोन निकाल देता हूँ, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। गाइस अगर कॉकटेल्स का बात करूं तो देखिए कॉकटेल्स भी इधर है और ये भी बहुत ही अच्छा है, ये जो पीछे वाला है मतलब उधर वाला फीमेल है और इधर वाला मेल है। और गाइस इन लोग को जो है दोपहर को मैं सीड्स देता, अभी जो है कॉकटेल को आपको सनफ्लावर नहीं देना है हीट मतलब ये समर सीजन में, बट जिसका भी मैं बोल देता हूँ कंगनी दाना दीजिए, हो सके तो थोड़ा राइस दीजिए, लोग राइस खाता है, उसके बाद कुछ सॉफ्ट फूड दे सकते हैं चना वगैरह। और गाइस मेन चीज जो है बताऊंगा, पहले फिंच को भी दिखा देता, कैल्शियम कटल बोन रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। और चलिए फिंच को भी आप लोग देख लीजिए एक बार, ये देखिए गाइस अंडा लेके बैठा है,
या फिर बैठी है, दोनों ही है। सो गाइस आप जो है ये जो भी बर्ड हो जाए, मेरे पास ये 3 टाइप्स बर्ड है, पर आपके पास जो भी बर्ड हो जाए आपको एक चीज देना होगा समर सीजन में, वो है मैं अभी दिखाता हूँ। ये वाला गाइस ORS इलेक्ट्रोल, पूरा नाम देख लीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इलेक्ट्रोल। सो गाइस इसको कितना देना है मैं वो भी बता देता हूँ। ये जो है ये कटोरा या फिर उधर तो बॉटल है, छोड़ दीजिए वो देख के काम नहीं है। देखिए पिंक कलर जो बॉटल है उसमें पूरा फुल पानी में एक टीस्पून जो होता है, मतलब छोटा सा इतना सा टीस्पून जो होता है उसका हाफ से भी हाफ चम्मच आप लोग को आपको पानी के साथ मिला के देना है। ये बोला आप लोग अच्छा से ये पैकेट को देख लीजिए, ज्यादा प्राइस नहीं होता है। ORS इलेक्ट्रोल, इलेक्ट्रोल आपको दुकान में जाके बोलना है जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये आपको देना होगा। क्योंकि गाइस नहीं तो इस समर में जो है आपका बर्ड जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, जिसके कारण कभी कभार जो है एक्सपायर हो जाता है बर्ड्स। हर एक बर्ड्स को देना है आप लोग को, सो बेसिकली ये देना होगा। उसके साथ और एक चीज दे सकते हैं जो कि है नियोपेप्टाइन। नियोपेप्टाइन आप लोग को देना होगा जस्ट डाइजेशन के लिए, क्योंकि भाई कभी कभार गर्म जो समर सीजन है उसमें पेट गर्म होकर पेट खराब हो जाता है, तो ये भी दे सकते हैं। 3 ड्रॉप दीजिए पानी में, बस कम चल जाएगा। पर ये जो ORS है ये मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा देने के लिए। और देखिए मेरा जो बर्ड्स है सेकेंड फ्लोर में है तो और भी गर्म है, तो गाइस इसलिए ये जो ORS है देना होगा। और आपका बर्ड इनकेस डिहाइड्रेटेड हो गया तो देखिए एक कोना में बैठा रहेगा और ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, खाएगा भी नहीं, तो आपको जोर करके उसे हैंड फीडिंग में तो मतलब ला के उसे सिरिंज जो है पानी में मिला के खिलाना होगा, नहीं तो आपका बर्ड्स एक्सपायर कर जाएगा। इसलिए गाइस बी प्रिपेयर फ्रॉम नाउ। देखिए थोड़ा गर्म आया है अभी, तो गाइस इसलिए ORS स्टार्ट कर दीजिए, ORS को अभी स्टॉप ना कीजिए। अभी मेरे पास से वैसे डिहाइड्रेटेड बर्ड नहीं है तो दिखा नहीं सकता। देखिए उधर जो बच्चा मुंह निकल रहा है और इधर जो मेल है वो फीमेल को फीडिंग करवा रहा है, देख सकते हैं। और गाइस ये भी बहुत अच्छा, ये जो मेल है ये नीचे बैठ के सो जाता है, कभी कभार ऊपर आता है, और ये फीमेल है। और गाइस अभी डॉग्स का भी बता देता हूँ। देखिए डॉग्स लोग देखिए बेसिकली ह्यूमंस जो खाते हैं वो सभी खा लेता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा डॉग्स लोग को ऐसा खाना दीजिए जिससे उन लोग का शरीर ठंडा रहे। फॉर एग्जाम्पल खीरा, क्यूकम्बर जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसके कारण जो है शरीर ठंडा रहता है, ये दीजिए डॉग्स लोग को। ORS अगर डिहाइड्रेटेड हो जाए उसको रिहाइड्रेशन तो करना ही होगा, तो उसके लिए पानी ज्यादा करके दीजिए डॉग्स को। सबसे बड़ा बात इस समर में पानी ज्यादा करके दीजिए, ऐसा कुछ खाने के लिए ना दीजिए जिसका कारण उसका बॉडी बहुत ही हीटअप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल चिकन, मटन, स्पेशली मटन, मटन ना दीजिए अभी, हो सके तो महीने में एक बार दीजिए, पर ज्यादा नहीं देना होगा आप लोग को। आपका डॉग को कंटिन्यू उसको नहलाइए। हाँ मेरे को पता है डॉग्स लोग ज्यादा नहलाता है, मतलब नहलाना नहीं चाहता है क्योंकि पानी से डरता है, पर हो सके तो कंटिन्यू नहलाइए, कैसे भी हो उसे बांध के नहलाइए तो बहुत ही अच्छा होगा। डॉग्स लोग का भी पेट खराब हो सकता है, उस टाइम पे आप लोग को मेडिसिन देना होगा। सो गाइस ये बेसिकली अपडेट है, और कुछ मैं केयर भी बता दिए, ये केयर फॉलो करके चलिए आप लोग का एनिमल्स हेल्थ एंड हेल्दी रहेगा। बर्ड्स लोग के लिए ORS, डॉग्स लोग को ऐसा खाना देना होगा जिसके कारण जो है मतलब उन लोग का हेल्थ ठंडा रहे, शरीर ठंडा रहे, और जो फिश है उन लोग के लिए रेगुलर वाटर चेंज करना होगा। सो गाइस होप करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि गाइस कल का वीडियो से बहुत कोई ऐसा आया कि बोला मेरा सब्सक्राइबर दोस्त ने कि या तो अपडेट दो या फिर केयर वीडियो बनाओ, तो गाइस आज अपडेट भी दे दिया और केयर वीडियो भी बना दिया। मैंने डॉग्स को क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि गाइस मेरा डॉग्स अभी फीडिंग लेके सो गया, इसलिए मैं डॉग्स को दिखाया नहीं, बेसिकली कभी एक वीडियो में दिखा लूंगा। गाइस ये आज का वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को एक लाइक कर देना, लाइक के बिना कहीं मत जाना। और भाई ऐसा वीडियो इन फ्यूचर रेगुलरली देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा आप लोग को बताए, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। और गाइस आप लोग मेरे को रिकमेंड कीजिए नेक्स्ट केयर वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए, कोई फिश के ऊपर, कोई बर्ड के ऊपर, या फिर कोई डॉग्स के ऊपर, अगर होना चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बोलिए, कुछ भी मैं ट्राई करूंगा, ऑफ कोर्स उसे रिसर्च करूंगा पहले, उसके बाद ट्राई करूंगा वीडियोस बनाने में। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस जाने से पहले एक चीज देख लीजिए, जो बोला ये जो कॉकटेल है ये नीचे बैठ के सो जाता है, देखिए ये अभी सो रहा है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।